सो वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका 21 फरवरी का केमिस्ट्री का पेपर है, कक्षा 12वीं का पूरा रट लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर आपका पूरा रियल पेपर आ चुका है। सो गाइस इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली सॉल्यूशन सहित बताया जाएगा। सो गाइस देख लीजिए आपका जो पेपर है कुछ इस तरह का आया। सो गाइस यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो में कम्प्लीट मिलेंगे। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। देख लीजिए आपका जो पेपर है कुछ इस तरह का आया है। तो गाइस यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। गाइस देख लीजिए पूरी जो है क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे इसी वीडियो में, जो आपके पूरे क्वेश्चन है जितने भी सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। चलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर कर लेते हैं। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर सेट सी का आपका पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस सभी सेट एक जैसे रहते हैं, क्वेश्चन के क्रम इधर उधर हो जाते हैं, बाकी तो क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं। चार सेट आने वाले हैं आपके। सो गाइस यहाँ पर सी सेट का देख लीजिए, बाकी की सेट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। देख लीजिए ये रहा आपका सीरियल नंबर, इसके बाद आपके टोटल 19 क्वेश्चन है, जो प्रिंटेड पेज है 8 है, और टाइम 3 आवर्स का, और 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला। सो गाइस ये रहे आपके निर्देश वगैरह, तो गाइस निर्देश पढ़ लेना। 220 आपके जो है केमिस्ट्री के पेपर का कोड है, यहाँ पर देख लीजिए U619 और H5। सो गाइस यहाँ पर जल्दी से चलिए यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेते हैं, सॉल्यूशन चाहिए। सो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है दुर्बलतम क्षारक है, कौन है यहाँ पर अमोनिया। तो गाइस यहाँ पर अमोनिया है जो दुर्बलतम क्षारक है। सो गाइस ये आपकी पहले का साफ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो गाइस यहाँ पर दूसरे का द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, CX बंद होता है। CX बंद कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो गाइस इसमें द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बढ़ाता है, कौन सा ऑक्सीलेट। सो गाइस इसमें ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पांचवा, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कौन करते हैं। यहाँ पर संक्रमण तत्व हैं जो उस परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आ जाता है छठवा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। तो गाइस इसमें दाब राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका सातवां क्वेश्चन है, पीतल है, पीतल कैसा है, ठोस विलयन है, द्रव विलयन है। सो गाइस इसका हो जाएगा ठोस विलयन। सो गाइस आ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस विलयन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये आपका जो है हिंदी मीडियम में हो गया था, अब आपका इंग्लिश मीडियम में है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सो गाइस यहाँ पर ये आप अपने जो है जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है तो देख लेना, इनके भी आंसर आपको इसी तरह लगा देने हैं जैसे हमने आपको बता दिए। अब चलिए आपके जो है रिक्त स्थान देख लेते हैं फटाफट। तो गाइस ये रही आपके रिक्त स्थान, देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है आपका जो प्रोटीन का बहुलक है, जो प्रोटीन है इसका बहुलक कौन है, यहाँ पर आपको पता होगा अमीनो अम्ल रहता है। सो गाइस प्रोटीन डॉट डॉट का बहुलक है किसका, अमीनो अम्ल। तो गाइस आपको क्या लिख देना, अमीनो अम्ल लिख देना है। सो गाइस इतना लिख देना है। तो गाइस ये आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद डॉट डॉट होता है कौन, साइनेट। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है, साइनेट लिख देना है। सो गाइस यहाँ पर साइनेट आपका इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, निश्चेतक के रूप में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है किसका, ईथर का। सो गाइस इसमें आपको क्या भर देना है, ईथर भर देना है। सो गाइस ईथर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है चौथा, हीमोग्लोबिन आयरन का डॉट डॉट यौगिक कैसा, संकुल यौगिक। सो गाइस इसमें क्या लिख देना है, संकुल। सो गाइस इसमें संकुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा, ZN केवल डॉट डॉट ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है कौन, +2। सो गाइस इसमें लिख देना है आपको +2। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां, अणु संहिता सदैव डॉट डॉट होती है, कैसी होती है, पूर्णांक होती है। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है, पूर्णांक। तो गाइस इसमें पूर्णांक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सातवां, विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर डॉट डॉट होता है, कैसा होता है, घटता है। तो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है, घटता। तो गाइस इसमें क्या लिख देना आपको, घटता है। तो ऐसे आपके जो है 7 नंबर की रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से हेड राइटिंग लिख लेना है, हम आपको बोलकर भी आपके आंसर बता रहे हैं तो लिखते चलिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम है, फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी से देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। अब चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियां मिला लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर की आपकी सही जोड़ियां हैं, सही जोड़ी मिलाइए। चलिए सही जोड़ी मिला लेते। पहला रिवाज संग्रह, रिवाज संग्रह का हो जाएगा RNA। सो गाइस इसमें से
पहला का आपको मिला देना ई नंबर से। इसके बाद दूसरा आ जाता है वेलिन, वेलिन का हो जाएगा आपका यहाँ पर वेलिन का दूध हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का हो जाएगा यहाँ पर आपका मीरबेन तेल हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्लोरोटीन, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन हो जाएगा आपका चौथा का यहाँ पर देख लीजिए निंद्राकारी, आ ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा डायफेनिलफोसिन, डायफेनिलफोसिन का हो जाएगा उदासीन लिगेंड, इसका पांचवा का यहाँ से। इसके बाद है छठवां रंगहीन, रंगहीन हो जाएगा आपका यहाँ पर Zn2+। इसके बाद सातवां धात्विक चालक, धात्विक चालक हो जाएगा आपका Al। सो गाइस ये आपका द ऑप्शन से राइट आंसर। सो गाइस ये आपकी सात नंबर की सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में आपकी सही जोड़ियाँ हैं, तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपकी एक बात के आंसर है, तो क्वेश्चन है तो इनके आंसर भी हम आपको बता देते हैं। चलिए फटाफट, सो यार अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह वार्षिक परीक्षा और मैं आपके सभी विषय के पेपर इसी तरह आपको मिलने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द वाक्य में उत्तर देना जो कि सात नंबर की। पहला है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा जो फाइब्रिनोजन। सो गाइस इसमें लिख देना है आपको फाइब्रिनोजन। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन, जो है रक्त का थप्पा जमाने में उत्तरदायी रहता है। इसके बाद है आपका दूसरा, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलिन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों क्यों पड़ जाता है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। तो आपको लिख देना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के कारण। सो गाइस ऑक्सीकरण के कारण लिख देना है। सो गाइस इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया वसा अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सिमट अभिक्रिया कहलाती है। तो गाइस इसमें क्या लिख देना है, सिमट अभिक्रिया, इसमें लिख देना आपको क्या, सिमट अभिक्रिया। इसके बाद आ जाता है आपका जो है चौथा, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, यहाँ पर फिनॉल को जो है कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, फिनॉल, इसमें आपको लिख देना फिनॉल। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा, प्राथमिक अमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है, क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो इसमें लिख देना प्राथमिक, प्राथमिक एल्कोहल। सो इस यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो इस ये आपका जो है छठवां, जो पांचवा का राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है छठवां, गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। सो गाइस आपको लिख देना अणुसंघ, अणुसंघ गुणधर्म, गुणधर्म। तो गाइस ये आपके जो है छठवां का राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका सातवां, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं। सो गाइस लूनर कास्टिक जो है AgNO3 को कहते हैं। सो गाइस ये आपका जो है सात नंबर के एक वाक्य की कंप्लीट हो जाती है, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी जो है इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए एक वाक्य के आपके इंग्लिश मीडियम में, तो इस फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर पांचवा है अब आपका, चलिए अब आपके प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूटेरियम आयरन को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा दिया हुआ है निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, देख लीजिए आओ बाद दिया हुआ है एसिटामाइड से मिथाइल साइनाइड और दूसरा दिया हुआ है इथाइल एमीन से इथाइल एल्कोहल। इसके बाद आ जाता है छठवां, छठवां क्वेश्चन है आरएनए और डीएनए में अंतर, इसके अथवा में रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में दो अंतर। इसके बाद आ जाता है सातवां, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए, आर्डोफार्म अभिक्रिया और गाटर, गाटर मानकोच अभिक्रिया। इसके बाद अथवा दिया हुआ क्या होता है जब एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराने पर, और इसके बाद अब्बा दिया हुआ बेंजल्डिहाइड का NaOH के साथ गर्म करने पर। सो इसी आपका सातवां कंप्लीट हो जाता है, सातवां इनके आंसर हम आपको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए इनके आंसर जो वीडियो के एंड में बता देंगे। सो वैसे यहाँ पर देख लीजिए अब आठवां आ जाता है, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक के सूत्र लिखिए, देख लीजिए दो दो नंबर वाले सभी क्वेश्चन आपके हैं अभी, ये देख लीजिए इनके आपको सूत्र लिखना है। इसके बाद अथवा दिया हुआ है निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक के IUPAC नाम लिखना है। सो वैसे इनके IUPAC नाम लिखना है। इसके बाद नौवां है लिगेंड किसे कहते हैं, इसके अथवा में दिया हुआ द्विक लवण किसे कहते हैं, सो गाइस किन्हें कहते हैं। इसके बाद है आपका दसवां,
अभी क्रिया का आधायुगल किसे कहते हैं? इसके अथवा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, वेग निर्धारक पद क्या है? इसके बाद 11वां ओम का नियम लिखना है, ओम का नियम लिख देना है आपको क्वेश्चन 11वां में। इसके अथवा का देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर ग्यारहवा का अथवा लिख लीजिए। आपको क्या करना है, 11वां के अथवा में आपको कोलरास का नियम लिखना है, कोलरास का नियम लिख देना है। तो गाइस ये आपका जो है 11वां का अथवा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 12वां आ जाता है, 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलय किया जाता है, तो बिलियन की मोलर तक ज्ञात करना है। इसके अथवा में दिया हुआ है सम परासारी विलयन किसे कहते हैं? इसके बाद 13वां क्वेश्चन आ जाता है, वायु की उपस्थिति में फिनोल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है? अभिक्रिय से ही समझाना है। इसके अथवा में है आप मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे? इसके बाद आ जाता है आपका 14वां, लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? इसके कारण एवं परिणाम लिखना है। इसके अथवा में क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं? इसके बाद है आपका 15वां, वेग नियम और द्रव अनुपाति क्रिया नियम में क्या अंतर है? इसमें अंतर बताना है। इसका अथवा भी देख लेते हैं, ये रहा आपका 15वां का अथवा, अभिक्रिया की दर दर स्थिरांक में अंतर बताना है। इसके बाद है आपका 16वां, विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। इसके अथवा में है मोल प्रवाह किसे कहते हैं? इसके बाद है आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखना, 4 अंतर लिख देना है। इसके बाद ये रहा इसका अथवा। इसके बाद है आपका 18वां, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाना। देख लीजिए ये 4-5 अभिक्रियाएं दी हुई है 5 नंबर का, क्योंकि आंसर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो इसी यहाँ पर 5 की आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझा देना है परिभाषा सहित। इसके अथवा का देख लेते हैं, तो ये रहा इसका अथवा, 18वां का अथवा देख लीजिए फटाफट। इसका अथवा है देख लीजिए 18वां का अथवा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, ये रहा संचरण किसे कहते हैं? संचरण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचरण से बचने के उपाय बताना। इसके अथवा में लेड सीसा संचायक सेल से आप क्या समझते हैं? इसमें होने वाली विसर्जन क्रिया को समझाना। सो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, टोटल आपके 19 क्वेश्चन थे। तो वैसे हमने 19 के 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 से जो प्रश्नोत्तर है उनके आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने वाले। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए इसे जो प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अभी आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सभी विषय के आपके पेपर हम इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।